हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्रीकल्चर मंत्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं कंप्यूटर सीरीज़ का। इसमें हम बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे और जानेंगे क्या चीज़ है वो और कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो आने वाले एग्ज़ाम है आपके CWC FSSAI और NFL में आपको ये हेल्प करेगा बहुत। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यकीन मानिए मेरा, इससे बाहर जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा कंप्यूटर में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसर से। वर्ड प्रोसेसर बहुत ही नॉर्मल है, आपको पता ही होगा, MS वर्ड, जिसमें आप बेसिकली काम वगैरह करते रहते होंगे। तो जितने भी कंप्यूटर भाई लोग हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे मेरे इस बात से कि MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड के करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जो उसके फीचर्स वगैरह हैं। इसमें एडिटिंग फीचर्स होता है आपका, जिसमें सब बेसिक जो एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, जो आप काम कर रहे हैं उसका फॉन्ट चेंज करना, ये सब एडिटिंग फीचर में आता है। इसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है, फॉर्मेटिंग जो अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मेट कर सकते हो आप टेक्स्ट को अपने, ग्राफिक का आप इसमें डाल सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस बेसिकली ऐसा है, जैसे कि मैंने फाइंड ऑप्शन में गया MS वर्ड में और ये फैसिलिटी वहाँ पर लिखा, और उसमें तब लिखा है कि आप फैसिलिटी को किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो। तो फैसिलिटी को जैसे मैंने रिप्लेस कर दिया प्रोवाइड से, तो जहाँ जहाँ फैसिलिटी है वहाँ पे प्रोवाइड आ जाएगा। वो आपको ऑप्शन देगा कि आप पूरे जो आप लिख रहे हैं उसमें करना है या स्पेसिफिक लाइन में करना है, वो सब इसमें आ जाएगा। अब थीसोरस की बात करें, थीसोरस आपका होता है सिनोनिम, सिनोनिम बोले तो पर्यायवाची। तो जैसे कि कहीं पे कोई शब्द है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और जो आपको लगता है कि मतलब जिस टेक्स्ट को आपने किसी को देना है कि उसकी समझ में नहीं आएगा, तो आप जैसे क्वेरल लिखा है कहीं पे, तो क्वेरल का मतलब जनरली लड़ना होता है, तो वो आपको लगता है कि किसी की समझ में नहीं आएगा, तो आप थीसोरस से देख सकते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है। तो वहाँ पे आप आ जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको पता चल जाएगा कि फाइट वगैरह है या फिर कुछ है, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फूटर, जो आपका टॉप मोस्ट में लिखा रहता है कुछ भी, वो आपका हेडर हो गया, जो लोअर मोस्ट में रहता है वो फूटर हो गया। पेज ओरिएंटेशन की बात करूँ मैं, तो पोर्ट्रेट जो आपको पता ही होगा, पोर्ट्रेट ऐसा A4 साइज का जैसे पेज होता है, पोर्ट्रेट में आप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको देता है और ये जो लैंडस्केप है, जैसे अभी हमारा लैंडस्केप है, ये आपका लैंडस्केप हो गया। स्पेल चेक की फैसिलिटी देता है कि स्पेलिंग चेक भी आप कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं इसमें आप, जैसे कि इसमें लिखा है, इट इज़ अ फैसिलिटी विच इनेबल्स टू प्रिंट अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर डॉक्यूमेंट विद मोर एंड लेस सिमिलर टेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में आप लेटर्स वगैरह इसमें मेल कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग कर सकते हैं आप। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कैसे। बुलेट्स एंड नंबरिंग देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे ऐसे आप जो जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने किसी को करेक्टरिस्टिक्स देना है तो वहाँ पर लिखा रहता है 1, 2, 3 पॉइंट। जैसे आपने ये समझ लीजिए, जैसे राम है, उसके बारे में आपने बताना है कि राम की क्वालिटीज़ क्या है, तो आप लिखते नहीं है जैसे 1 क्वालिटी की ही इज़ हैंडसम, 2 ही इज़ ब्रिलियंट, 3 ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो ये सब इसमें आ जाएगा। आगे बात करें हम, टेबल्स इसमें डाल सकते हैं, वर्ड विंडो, टाइटल बार जो आपका टॉप मोस्ट है, जैसे कि जिसमें ये है टाइटल बार, ये देखिए आप देख सकते हैं, जिसमें फाइल एडिट ये सब आपका टाइटल बार में आ जाता है। मेनू बार, जिसमें मेनू बार यानी कि स्पेसिफिक जिसमें चीज़ें हों, ये आप देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, मेनू बार जिसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको फॉर्मेटिंग वगैरह के, सब चीज़ में आता है। स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार जिसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। रूलर हो गया आपका वर्क स्पेस जिसमें आप काम कर रहे हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार दोस्तों ये होता है जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है।
हॉरिजेंटल इसमें अभी हम कर नहीं सकते हैं। हॉरिजेंटल बेसिकली ये होता है जैसे कि कोई टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है और आपकी विंडो इतनी है, तो टेक्स्ट को पूरा ले जाने के लिए आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार करेंगे नीचे से, तो ताकि आपको टेक्स्ट दिखेगा। वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा। देखिए जैसे मैं आप बता रहा था, जैसे कि इसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हैज़ द फॉलोइंग टूल्स, तो ये आप देख सक रहे हैं, यही होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये जो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मेन आपका आता है ये चीज़, एक मिनट, मेन आपका आता है ये, आपको बाय हार्ड यानी होनी चाहिए इनसे। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 100%, 100 क्या 200% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस ए बी सी सी, ये सब ये बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल से आपने पढ़ा ही होगा। अब हम एम एस एक्सेल में आ जाते हैं। एम एस एक्सेल जिसमें आप मेनली अकाउंटिंग वगैरह का काम करते होंगे, अगर आपके भाई बहन या माता पिता एम एस वो ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे तो उन्हें ज़्यादा पता होगा एम एस एक्सेल के बारे में, तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं। तो ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस का है, जिसमें कि वर्कशीट। दोस्तों ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये 65,536 आपकी इसमें रोज़ हैं, एम एस एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, 256 इसमें कॉलम्स हैं, ये आपको बाय हार्ड याद होना ही चाहिए। अब बात आती है आपका अब आपकी बात आती है रो नंबर। रो नंबर जिसमें आप काम कर रहे हैं वो आपका रो नंबर हो गया है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ रो नंबर। देखिए आपका स्पेसिफिक, ये आपका जहाँ आप मेरे कर्ज़ देख रहे हैं, ये आपका हो गया है रो, और ये आपका पूरा है। देखिए हाँ, एक मिनट, ये आपका हो गया है कॉलम, और ये आपका जो स्पेसिफिक है ये आपके हो गए रो। जिस सेल में आप काम कर रहे हैं वो आपका करंट सेल हो गया है। रेंज ऑफ सेल, जिस जितनी आपकी रेंज है सेल की वो उसका रेंज सेल हो गया है। डाटा इन वर्कशॉप, वर्कशीट जिसमें जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं वो आपका डाटा हो गया। फार्मूला, आप देखिए यहाँ पर फार्मूला आप यहीं कहीं हैं, फार्मूला आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब आपका आ गया एम एस एक्सेल में। एक दिन में मिटा देता हूँ जरा से। तो सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग, ये आपका जनरली आता नहीं है। तो चार्ट्स इसमें आप जैसे पाई चार्ट, डाटा चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब आप एम एस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये प्रेजेंटेशन वगैरह में बहुत हेल्पफुल करता है ये एम एस एक्सेल। एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, ये देखिए आप ये कर सकते हैं। तो मेन इसमें चीज़ आती है इसकी शॉर्टकट कीज़। मैंने पहले भी कहा आपको एम एस वर्ड में भी ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो मैं आपको बता देता हूँ मेन मेन, जो ये वाला है इंटर द करेंट टाइम, ये आपका आ चुका है, ये वाला भी आ चुका है पिछले एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, करेंट टाइम, जो अभी आपका टाइम है, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 12 बजे, तो वो 12 बजे आपका आ जाएगा। करंट डेट है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबा के आपकी डेट जो समय की है, जैसे मैं अभी 21 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 21 अप्रैल, तो ये आ जाएगा सेल में।
ये बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको इम्पोर्टेंट वगैरह बता दी है। और ट्राई करना जो मतलब बेसिक कमांड्स हैं उसको भूल जाना, क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल है, वो आता ही होगा सबको, तो वो जनरली एग्जामिनर देता नहीं है। तो जो आपको मतलब थोड़ी बेढंगी सी अजीब अजीब सी लग रही है, जैसे ये है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये वगैरह है। इसकी PDF मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं इसे। तो अब आते हैं हम MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक पार्ट ऑफ MS ऑफिस हुई। तो आपका जनरली आपने कॉलेज टाइम में PPT बनाई होगी, जो उसका एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का, PPT वर्ड का, जैसे डॉट डॉक है और यही है पावर पॉइंट। आपने कॉलेज वगैरह में प्रेजेंटेशन बनाई होगी तो इसी में बनाई होगी, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से पावर पॉइंट, और जनरली बहुत बच्चों को पता ही होगा। तो जैसे ये देखिए, मैंने अभी बताया PPT डॉट PPT इसका एक्सटेंशन है, ये भी कई बार आ चुका है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। कंपोनेंट देख लेते हैं, टाइटल होता है इसमें, सब टाइटल होता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या पढ़ लीजिएगा पूरा। स्लाइड है इसमें, स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड शो, नोट्स पेजेस हैं, ये न्यू फीचर हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसमें भी मैं जनरली बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये सब आ गए आपके, तो ये सब सारी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो MS एक्सेस में आते हैं, ये जो नाम है थोड़ा न्यू होगा बच्चों के लिए, MS एक्सेस कि MS एक्सेल तो हमने सुना है, MS एक्सेल तो सुना है, पर ये MS एक्सेस क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ MS एक्सेस। दोस्तों ये इस टाइप का है थोड़ा, ये देखिए MS एक्सेस, ये बिल्कुल सेम लग रहा है MS एक्सेल की तरह, बस इसमें रोज वगैरह नहीं है। ये आपका होम पेज टाइप का हो गया MS एक्सेस का, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो MS एक्सेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। MS एक्सेस इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेट कंबाइन द रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। तो जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को रिलेट करता है माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन से, ये बहुत ही भारी भरकम शब्द है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसका मेन काम वर्किंग एरियाज में ही है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, ये आप देख लीजिएगा एक एक पॉइंट्स का याद कर लीजिएगा। ये इसमें डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, डाटा एक्सेस पेज, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। सो इसमें भी कीज वगैरह हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही कीज हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। प्रिंटिंग और सेविंग से रिलेटेड कीज, ये आपको पता होगा, Ctrl+P बहुत ही नॉर्मल है, पता होगा आपको। प्रिंट डायलॉग बॉक्स तो देख लीजिए, हाँ Ctrl+P पहले ये वाला आएगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो आप दोबारा अगर दबाएंगे तब ये प्रिंट हो जाएगा। ये S वाली की, P, C और Escape,
कंट्रोल प्लस एस से होता है, सेव कर देते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा है। देखिए कॉम्बोज कॉम्बो बॉक्सेस हैं, लिस्ट बॉक्स के लिए स्पेसिफिक कीज़ हैं। F4 से कॉम्बो बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें कीज़ वगैरह हैं। डाउन एरो से डाउन हो जाएगा, ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट डाटा के लिए ये सारी कीज़ हैं। तो जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बस आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए 100 to 200 क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर लाएंगे कंप्यूटर की, जो सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, और उससे बाहर यकीन मानिए उससे बाहर कुछ नहीं है आपका। बस आप सीरीज़ देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।